शनि होने जा रहे हैं उदय, यानी कि 24 फरवरी 2022 में शनि उदय होने जा रहे हैं और सात राशियों को बहुत अच्छा रिजल्ट देने वाले हैं। उनका धन लाभ, पद लाभ, घर भर देने वाले हैं। आप वो सात राशि है कौन सी है इस कार्यक्रम में जानेंगे। सबसे पहले नीलांजनम समाभाजम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शनिश्चरम। यानी कि देखा जाए तो 33 दिनों के बाद शनि अस्त से उदय होने जा रहे हैं, यानी कि 22 जनवरी 2022 में शनि अस्त हो गए थे, जिस कारण से सात राशि वालों को बड़ा कष्ट सहना पड़ा। वो क्या क्या कष्ट सहना पड़ा वो मैं आपको राशि में बताऊंगा ही बताऊंगा, और अब क्या लाभ होगा ये भी इस कार्यक्रम में चर्चा होगी। सबसे पहले जानते हैं कि ग्रह अस्त, आपने बड़ा सुना होगा उदय हो गया, ये होता क्या है। देखिए, कोई भी ग्रह सूर्य के बिल्कुल नज़दीक आ जाता है या बहुत ज़्यादा नज़दीक आ जाता है, ऐसे में वो ग्रह अस्त हो जाता है, और अस्त होने से उसका जो प्रभाव होता है वो कमज़ोर होने लग जाता है, जिससे कि क्या होगा कि जो भी 12 राशियों पे जो भी रश्मियाँ उस ग्रह की पड़ रही हैं, किरणें जिसे कहते हैं, किरणें नहीं कहेंगे, रश्मियाँ कहेंगे, तो रश्मियाँ जो पड़ने लगती है वो कमज़ोर होने लग जाती है, जिस कारण से 12 राशियों पे सही इफेक्ट नहीं आ पाता और उनके को काम डिले पे डिले होने लग जाते हैं। और शनि तो बहुत महत्वपूर्ण ग्रह, शनि काम का स्वामी है, धन कारक स्वामी है, नौकरशाही का स्वामी शनि है, सत्ता का कारक शनि है। ठीक है, कलयुग के अंदर काम को चलाना, धन नौकरी पद में शनि की महत्वता बहुत ज़्यादा है। स्वयं साक्षात स्वयं शिव जी की का आशीर्वाद प्राप्त है शनि को, जिस कारण से कलयुग में इसकी महत्वता बढ़ जाती है। ठीक है जी, तो वो हो रहे थे अस्त। अब क्या है कि 24 फरवरी को वो होने जा रहे हैं उदय और सात राशियों का अच्छा समय लेके आएंगे। सबसे पहली जो राशि है मेष राशि, तो मेष राशि में जब तक जो शनि अस्त थे तब तक उनको मानसिक तनाव रहा और कार्यों में उनकी बाधा रही, मन में बहुत अशांति 22 जनवरी के बाद बढ़ गई, दाम्पत्य जीवन पति पत्नी में प्रेमी प्रेमिकाओं में भी वाद विवाद रहा, लेकिन अब 24 फरवरी के बाद स्वास्थ्य अच्छा हो जाएगा, कार्यों में उन्नति होगी, बल्कि काम में बहुत बड़ा बदलाव भी देखने को मिलेंगे, कार्य में नौकरी में परिवर्तन के भी योग नजर आ रहे हैं, दाम्पत्य बाधा आपकी खत्म हो जाएगी। दूसरी राशि है मिथुन राशि। मिथुन राशि का जब शनि अस्त थे, यानी 22 जनवरी के बाद से जब और 24 फरवरी तक जब तक अस्त हैं, तब तक इनके कार्यों में अचानक बाधाएं आपने महसूस की होगी मिथुन राशि वालों ने। कर्जा आपके ऊपर बढ़ गया, अस्पताल के चक्कर लगे, साथ ही साथ नौकरी में बाधा हुई, लेकिन अब 24 फरवरी के बाद शनि जब उदय हो जाएंगे स्वास्थ्य अच्छा हो जाएगा, आपका स्वास्थ्य अच्छा हो जाएगा, आपके परिवार में जो लोग बीमार हैं उनका स्वास्थ्य अच्छा हो जाएगा, भूमि से संबंधित स्थान परिवर्तन का भी आपका योग बन रहा है या यात्रा के आपके योग बन रहे हैं, साथ ही साथ किसी सदस्य के करियर में जबरदस्त ग्रोथ होना शुरू हो जाएगा। इसी प्रकार से जो तीसरी राशि है जिनको अस्त की मार सहनी पड़ी, यानी कि कर्क राशि। कर्क राशि का देखा जाए तो 22 जनवरी के बाद जब शनि अस्त हुए तो रिश्तों में मतभेद रहा, संतुष्टि मन के अंदर प्राप्ति नहीं हुई, अच्छे काम भी हुई लेकिन मन के अंदर अशांति रही, साथ ही साथ धनहानि रही। अब 24 फरवरी के बाद जैसे ही शनि उदय हो जाएंगे सबसे पहला काम क्या करेंगे, आपका स्थान परिवर्तन का योग शुरू हो जाएंगे, या तो ऑफिस का स्थान परिवर्तन होगा या घर का स्थान परिवर्तन होगा, करियर में पद धन लाभ के योग शुरू हो जाएंगे, साथ ही साथ काम में कोई ना कोई खुशखबरी आपको मिलेगी, साथ ही साथ दूसरे शहर की आपकी यात्रा के योग भी नजर आ रहे हैं। इसी प्रकार से जो चौथी राशि है जिनको शनि अस्त होने से बड़ा कष्ट सहना पड़ा वो है तुला। तुला में देखा जाए तो 22 जनवरी के बाद जैसे ही शनि अस्त थे वैसे ही घर के अंदर खर्चा बढ़ गया, कभी टीवी पे, वाहन पे, शौचालय पे, कभी कोई चीज़ खराब हो जाए, मतलब खर्चे पे खर्चा आपका रहा, साथ ही साथ स्वास्थ्य का कष्ट रहा तुला राशि को, या परिवार में कोई बीमार हो गया, मानसिक अशांति रही और दाम्पत्य जीवन में वाद विवाद रहा और कार्यस्थल में भी जबरदस्त तनाव रहा, तो कुल मिला के तुला राशि ने काफ़ी काफ़ी कष्ट झेला शनि अस्त के दौरान।
अब उदय हो जाएंगे 24 फरवरी के बाद। तो देखा जाए तो आपकी यात्रा के योग नजर आ जाएंगे। काम में कोई ना कोई खुशखबरी आपको प्राप्त होगी, चाहे आप व्यापार कर रहे हैं, कर्जदारी कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, उसमें कोई ना कोई खुशखबरी प्राप्त होगी। साथ ही साथ परिवार के साथ में आपको कुछ दिन मिलेंगे बिताने के, या किसी पार्टी फंक्शन अटेंड करने के, या परिवार के साथ में यात्रा के कुछ दिन आपको मिलेंगे। करियर में भी अच्छा धन लाभ आपको प्राप्त होगा। पांचवी राशि अगर देखी जाए जिनको शनि अवस्थ होने से तहस नहस हो गया, वो है वृश्चिक राशि। काम में बाधा शुरू हो गई 22 जनवरी के बाद से। साथ ही साथ लोगों से वाद विवाद हुआ, लोगों से झड़प लड़ाई हुई, और चालान या किसी प्रकार का नोटिस भी आपको सहना पड़ा। अब क्या होगा, 24 फरवरी के बाद आपको अब धन लाभ शुरू होगा। भौतिक वस्तु खरीदने के या मोबाइल टीवी लैपटॉप खरीदने के भी आपके योग बनेंगे, क्योंकि धन आएगा जब भी खरीद पाओगे। साथ ही साथ यात्रा के योग भी बनेंगे, अब आपके काम बनना शुरू होंगे। तो कुल मिला के 24 फरवरी के बाद शनि उदय होने के बाद वृश्चिक राशि के लिए बड़ा लाभकारी समय रहेगा। अब बात करते हैं छठी राशि की, जिनको शनि अस्त होने से बड़ा नुकसान सहना पड़ा, मान सम्मान में वृद्धि नहीं हुई, अपयश सहना पड़ा, वो छठी राशि है धनु राशि। धनु राशि पे वैसे शनि की 7.5 चल ही रही थी, कहीं ना कहीं शनि के अस्त होने पर यानी 22 जनवरी 2022 में शनि अस्त हुए तो मान सम्मान में कमी हुई, कहीं ना कहीं किसी की खरी खोटी सुननी पड़ी, कुछ वादे टूट गए, कुछ वादे आपने किए थे वो आप निभा नहीं पाए, जिस कारण से वाद विवाद हुआ, करियर और धन में काफ़ी रुकावटें रही। अब जैसे ही शनि उदय हो जाएंगे यानी 24 फरवरी के बाद, अब काम में कोई ना कोई शुभ समाचार आपको मिलेगा, पुराने काम से भी रेवेन्यू अब आपका जनरेट होगा, साथ ही साथ रुका हुआ धन भी आपको प्राप्त होगा। इसी प्रकार से जो सातवीं राशि है जिन पे शनि अस्त की मार मिली, वो राशि है कुंभ राशि। तो कुंभ राशि का काम मंदा हो गया, नौकरी में वाद विवाद रहा, आर्थिक कई प्रकार की समस्याएं आर्थिक रहीं आपकी, और स्वास्थ्य की भी समस्या रही, परिवार में भी वाद विवाद रहा या पारिवारिक असंतुष्टि आपको प्राप्त हुई। तो कुल मिला के ये जो 33 दिन है कुंभ राशि वालों ने भारी काटे। अब देखा जाए तो 24 फरवरी के बाद सबसे पहला अगर आपकी संतान है तो संतान संबंधी कोई खुशखबरी प्राप्त होगी, संतान का स्थान परिवर्तन का योग, नई जगह पे नौकरी करने का योग नज़र आ रहा है, साथ ही साथ तीर्थ यात्रा में जाने के योग नज़र आ रहे हैं, नौकरी और काम में कोई ना कोई शुभ समाचार, बड़ी डील मिलने के योग नज़र आ रहे हैं। तो कुल मिला के कुंभ राशि के लिए भी 24 फरवरी के बाद स्थिति बहुत अच्छी है। तो ये हमने चर्चा करी 7 राशियों पे इफेक्ट के बारे में। अगर ये कार्यक्रम मित्रों आपको अच्छा लगा तो शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जय माता दी।